हेलो नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और रोज़ मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है बोलना। मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब बहुत ही हेल्दी रहें। अभी के लिए हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यही चाहती हूँ कि सब के सब बहुत हेल्दी रहें भवानी के पास। और बाकी और बताइए क्या चल रहा है। हम लोग तो बस ऐसे ही नहा वहा के आके, देखिए जरा मम्मी क्या कर रही है। मेरे देखिए दांत में क्या देखूं, दांत में क्या देखूं, दांत में देख तो क्या देखूं, दांत में अरे दर्द हो रहा है दांत में। कौन से दांत में? लास्ट वाले में। दांत है ही कहाँ आपके? है तो अब दांत, अब रुकिए जरा मम्मी के दांत देख के आती हूँ। किचन में मेरा कुछ काम था जो कि मम्मी बोल के गई थी नहाने के पहले कर देने के लिए, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कर रही थी काम। तो एक्चुअली बहुत दिन से क्या हो गया, हम लोग मनी और कॉफ़ी को दही और चावल ही दे रहे हैं क्योंकि मनी को थोड़े बहुत ज़्यादा दाने भी हो रहे बदन में, और बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने की वजह से भी ना बॉडी उन लोग की भी गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसको दही चावल ही दे रहे थे दोनों को, लेकिन वो लोग इतना पक चुके हैं दही चावल खाते खाते कि अब लोगों का दिमाग ख़राब है। तो आज भैया को मैंने बोल दिया था बाहर से जाके उन लोग के लिए थोड़ा नॉनवेज ले आने के लिए, तो फिर उसी पे मम्मी ने बोला कि जब उन लोग के लिए लेके आ रहे हो तो आज चलो थोड़ा घर के लिए भी कुछ बन जाए। तो मटन लेके आया भैया, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे घर पे मम्मी सारा किचन का सारा हैंडल करती है, तो मुझे घर साफ सफाई करना होता है, तो मिलजुल के कर ही लेते हैं काम। तो भैया, तो मैं बोल रही थी कि कॉफ़ी और मनी के लिए तो इतना बोर हो गए थे वो लोग भी खा खा के, और मम्मी ने भी फिर कहा कि चलो घर के लिए कुछ बन जाए। तो मम्मी ने मुझसे कहा था मटन को मैरिनेट करने के लिए, लेकिन देखिए मम्मी खुद करके चली गई। पूछती हूँ मम्मी ने क्या क्या डाला है मैरिनेशन के लिए। खाना मम्मी कुछ भी बना दे मुझे अच्छा ही लगता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मुझे कुछ पसंद नहीं आता, बट जनरली मुझे अच्छा ही लगता है सब कुछ। और पहले मैं मटन खाती नहीं थी, बट अभी रिसेंटली मैंने मटन खाना भी शुरू कर दिया है। उसमें क्या क्या डाला है? डाल दी हल्दी, डाल दी थोड़ी सी, बिल्कुल नाम तो मिर्ची डाल दी, दही डाला। उसका मैरिनेशन देख रही थी तो ज़्यादा कुछ उसमें लग नहीं रहा डाला। वो चिकन मसाला फ्रिज में रखा था वो मैंने डाल दिया उसमें, मटन मसाला नहीं तो चिकन मसाला ही सही है ना।
अभी मेरी अच्छी आदत बोलूं या बुरी आदत बोलूं पता नहीं, लेकिन जब भी मेरे घर पे दही आता है उसमें जो मलाई होती है इसके अंदर से मैं हमेशा मलाई निकाल लेती हूँ। इतनी सारी मलाई इस दही के अंदर से निकली है और मुझे दही की मलाई बहुत पसंद है। दूध की मलाई पसंद नहीं है लेकिन दही की मलाई मुझे बहुत पसंद है। तो इस सारे दही में से मैंने इतनी मलाई निकाल ली अपने खाने के लिए। खरबूजे को जैसे कॉफ़ी देख रहा है लग रहा है कितना उसको खाने का मन है, लेकिन अभी दूंगी खरबूजा तो खाएगा नहीं। खाएगा खरबूजा? ओहो हो, कॉफी खाएगा खरबूजा? ओले बाबा, पूछ हिल रही है। इसमें काला नमक डाली है? मुझे चाट मसाला मिल ही नहीं रहा था, काला नमक है रखा हुआ लेकिन कहाँ? किचन में। या तो कॉफी लेकर आ, तो हर समय तुम मिलाने से नहीं होगा। इतनी देर में तो मैं एक आधा खा ही लूँगी। मस्त टेस्टी है। अरे गुड मॉर्निंग गाइस, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ इसलिए मेरी नाक मोटी हो गई है। तो अभी तो जा रही थी मैं थोड़ा कॉफ़ी और मनी को लेने के लिए नीचे। दिखाती हूँ कर क्या रहे गए नीचे कॉफ़ी और मनी। आज बिल्कुल मौसम जो है वो बिल्कुल धूप नहीं है और बड़ा अच्छा आ गए ये लोग, फिर से वापस आ गए ये रहे। हाँ बोलो बोलो बोलो, इसको देखिए इसको देखिए। क्या हुआ कॉफ़ी, क्या हुआ, क्या हुआ मेरी कॉफ़ी को? मौसम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल धूप नहीं है, छाव छाव है और चिड़ियों की आवाज़ तो आप लोग को सुनाई दे ही रही होगी। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बहुत नेचर देखने को मिलता है, मतलब यूपी में बहुत ज़्यादा नेचर नेचर रहता है। सारे घरों के आसपास बड़े बड़े पेड़ वेड़ रहते हैं और वहीं पे लाइक सब जगह की अपनी अपनी खासियत है, तो यहाँ पे भी अच्छा ही है। और कॉफ़ी मेरी बातें सुन रहा है बैठ के। क्यों कॉफ़ी, कहाँ गई तुम? एनीवे चलते हैं अब नीचे क्योंकि मम्मी सुबह से उठा उठा के बहुत बक चुकी है। सुबह से मम्मी चिल्ला रही है उठने के लिए बट उठ नहीं रहे थे और अभी उठ रही हूँ। जस्ट मैं सो रही हूँ। ये रही मेरी बनी बनाई चाय और मम्मी गेहूँ पटक रही थी। मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मम्मी बहुत गुस्से में है, सो के लेट से उठी हूँ ना इसलिए मम्मी बहुत भड़की हुई है। हम लोग का रस्क और चाय और अब जाके नाश्ता करते हैं। चलो मम्मी क्या कर रही हो? कुछ तो करो, गाना सुनाओ आज। गाने बोल रहे हो? आपको तो आते हैं। क्या बेच रहा है? कॉटन के दुपट्टे, कॉटन की पेटीकोट, कॉटन के कुर्ती, कुर्ते। लोगी कुछ? अरे आता ना। कुर्ती आप पहनती हो नहीं? दुपट्टा जरूर ओढ़ते हैं। दुपट्टा लोगी? आज नहीं आता। कोई अच्छा सा मस्त सा? मेरे का नहीं आए बापू। तो कौन सा कलर का लेने आए बताओ तो। कोई कलर का नहीं लेना। नाइटी तो बड़ी अच्छी लग रही है। मेरी? हाँ पीली पीली है। मुझे क्या खबर, मुझे दीदी बड़ी अच्छी लग रही है। अभी मैं और भैया जा रहे हैं नीम तोड़ने के लिए क्योंकि मैं घर में ही थोड़ा हल्का फुल्का देसी सैनिटाइज़र बना के यूज़ करती हूँ।
तो उसके लिए नीम तोड़ना है, तो ये रहा भैया। वाह क्या वाह, बकरी आई बकरी आई, वो सोच रही तो उसके लिए नीम तोड़ रहा है। सारे पेड़ खा गए हम लोग। इतना सारा नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक। इतने से भी नहीं लगेंगे। अरे थोड़े ज्यादा तोड़ने हैं तो ये तोड़ना, पूरा ये तोड़। टूटेगा नहीं ना, कच्चा हुआ है तो दातून कर लेना, कच्चा है तो। बस चल। रोटी और बोटी, रोटी और बोटी, मटन बकरे का, सही है। मम्मी ने बनाया भैया, मैं नहीं बनाती हूँ। बड़ी मिर्चे है ना, बड़ी तेज मिर्चे, देख के समझ में आ रहा है। अरे आज तो मजा आ गया। पानी कहाँ आपका? अम्मा ने बोला इतनी मिर्चे डाली है, मेरी दिमाग की उड़ा दी। और मैंने अम्मा को बोला रोटी और बोटी, अम्मा कह रही अरे मजाक मत करो। क्या चीज़? रोटी और बोटी। हाँ, अम्मा बोली क्या खाने का है ना, रोटी और बोटी। अम्मा को मजाक लग रहा था, जैसे उंगली डाली अम्मा सब्जी में, तो अम्मा बोल रही है अरे हाँ ये तो रोटी और बोटी है। इसमें तो बिल्कुल ही पानी नहीं है, सारा एकदम अंदर घुस गया। तो ये देखिए, ये बैटरी के इंडिकेटर्स होते हैं, जिसको पता नहीं हो उसके लिए बता रही हूँ, बहुत लोगों को तो पता होगा। तो ये जब एकदम नीचे चले जाते हैं, ये रेड मार्क के नीचे, मतलब बैटरी में पानी डालना है। और वो पानी नॉर्मल पानी नहीं होता, ये वाला पानी होता है डिस्टिल्ड वाटर ना। इसको पी लेने से क्या होगा? पी के देख नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ तो होता होगा। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? नहीं नहीं, प्योर वाटर नहीं, कुछ चार्ज्ड वाटर होता है। तो ये देखिए, ये जो स्टिक इसमें दिख रही है यहाँ पे, ये जो स्टिक है ये वाली, ये पहले बिल्कुल नीचे थी, जैसे कि इसमें देखिए ये स्टिक बिल्कुल नीचे है, लेकिन जैसे ही बैटरी में पानी डाल दिया तो ये स्टिक ऑटोमेटिकली ऊपर चली गई। तो अब भैया अम्मा की बैटरी को ठीक करके आ चुका है, और अब ये अरे अम्मा की बैटरी मतलब हम लोग की बैटरी अब ठीक कर रहा है। अरे मतलब हम लोग के घर की बैटरी का पानी अब डाल रहा है अभी, घर की बैटरी का पानी डाल। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि बैटरी में फिर से अब उस वाली बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, तो अब इस बैटरी की बारी है। तो यहाँ पे भी ये कर रहा है, मैंने जैसे कि कहा है मोटर ठीक करना हो, कूलर साफ करना हो, बैटरी में पानी डलवाना हो, सब चीज़ भैया करता है। हम लोग को बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ता। मल्टी टैलेंटेड लड़का है, पढ़ाई में भी बढ़िया और ये सब में भी बढ़िया। तो फिर आज के लिए इतना ही, मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के।